जो डस्ट निकल रही उसको पकड़ने हटिए हटिए। चलो इधर आओ, दादा को पढ़ाई करने दो। चलो तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी आप, चलो लेट हिम स्टडी। चलो कम चारो, चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं इन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स। तो आज मैं ये कौन सी प्लेस है, मैं कहाँ पे बैठी हूँ, आज मैं किड्स रूम से अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ, अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और क्योंकि अब दिवाली हो चुकी है और दिवाली के बाद बहुत सारा काम घर में फैला होता है, वो सारा जो चीज़ें होती है डेकोरेशन की वो सब समेटना, तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। और विंटर्स भी आ रहे हैं, तो विंटर्स का जो कपड़े होते हैं, वुलन्स होते हैं, वो मुझे निकालने भी हैं। तो आज के व्लॉग में तो आपको मैं सिर्फ काम करते हुए दिखूंगी, क्योंकि बहुत काम है मेरे पास। और अभी मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ, यहाँ पे बालकनी में बैठे, क्योंकि अब अच्छी सी धूप आ रही थी। तो ये मेरे पास कुछ तुलसी की लीव्स हैं, जो कि मुझे एक मंदिर से मिली है, उसको मैंने धो के और सुखा लिया है। और ये इस तरह से हो गई है, ये माला है तुलसी की जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। तो ये सूख चुकी है एकदम, तो मैंने सोचा कि इसको वो कर लेते हैं, इसको तोड़ तोड़ के एक डिब्बे में भर के रख लेते हैं, और जब चाय बनानी होगी इस कंटेनर में उसको पैक करके रख लेंगे, और जब चाय बनाते हैं तो उसमें ये एक चम्मच डाल के ये यूज हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की माला है। तो इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि तुलसी की लीफ है और तुलसी की पत्तियां जाड़े में अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि इसको यूज कर लेते हैं। हेलो वंस अगेन। और सुबह जब मैंने आपसे बात किया था उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो इसलिए अब मैं इस समय शूट कर रही हूँ। और अब शाम के 6 बज चुके हैं, तो और शिवान भी स्कूल से आ चुका है, वो पढ़ाई कर रहा है, कल उसका यूटी है, स्पेनिश का टेस्ट है, तो वो पढ़ाई कर रहा है। और शारव नीचे खेल रहा है मेरे पास, किचन में ही बैठा है।
तो आपको आवाज आ रही होगी। तो अब टाइम है इन लोगों को दूध देने का, और इस टाइम पे शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं भी दूध पीती हूँ एक ग्लास, तो मैं भी दूध पीऊंगी, इन लोगों को भी दूध देंगे, और इतना डिस्टरबेंस है बात नहीं कर सकते, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्पेलिंग बताओ जरा मुझे, तुम बताओ।
फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपसे मंडे का रूटीन अपना शेयर किया और कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन होता है शिवान का यूटी। तो कल जैसे कि स्पेनिश का यूटी है तो उसके लिए अब मुझे उसको पढ़ाने जाना है। तो अभी आपने देखा कि मैंने जो दिवाली में जो चीज़ें सजाई थी जैसे कि उर्ली और जो और भी बहुत सारी चीज़ें जो सजाई थी उनको मैंने वापस अब उनकी जगह पर रख दिया है। अब वो नेक्स्ट दिवाली में निकलेंगी। पहले तो हम लोग उसको लगा के रखते थे लेकिन अभी क्योंकि शारव है और वो किसी भी चीज़ को जगह पर टिकने नहीं देता है तो इसलिए हम लोग उसको हटा के रख देते हैं और स्पेस भी थोड़ा हो जाता है बच्चों के खेलने के लिए। और तो वो सारी चीज़ें आज मैंने फाइनली वाइंड अप करके रख दी हैं। तो आज मैंने डिनर के लिए बहुत ही सिंपल सा जीरा राइस बनाया जिसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई, तो बस हम लोग वो खाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।